हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की। नंबर एनालॉजी एक रीजनिंग का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो सभी में नंबर एनालॉजी के एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 7 का रिलेशन यहाँ 42 से कैसे बन रहा है, वही रिलेशन आपको यहाँ बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो 7 का रिलेशन देखिए कैसे बन रहा है। यदि आप 7 दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 7 का एक कम करके मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 का एक कम कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। 7 के एक कम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छिंग कितना मिल जाएगा आपको, 42 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 का 42 से संबंध बन गया। जब यहाँ पर एक कम करके मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी एक कम करके मल्टीप्लाई कीजिए। 7 का कितने से करेंगे, 8 से करेंगे। 9 कितना होता है दोस्तों, 72 होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे 72 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक हो गया आपका करने का। दूसरा ट्रिक भी इसमें मैच करता है दोस्तों। आप क्या करें, 7 का स्क्वायर करें, 7 का 42 से संबंध बनाने के लिए 7 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 7 को ही माइनस कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस 7 कर देंगे उसमें से, तब भी आपको कितना मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। ऐसे यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 9 का करेंगे स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे दोस्तों 9 को ही। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, माइनस 9 को कर देंगे तब भी आपको 72 मिल जाएगा। तो ये ट्रिक भी फॉलो होती है दोस्तों, ये ट्रिक भी फॉलो होती है। दोनों में से कोई भी ट्रिक आपकी लग जाए, सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन में भी ये ट्रिक लग सकती है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक लगे, किसी में ये वाली लगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए 8 है, 23 है, 48 है, यहाँ पर क्या आएगा। यदि आप करें दोस्तों 8 का 23 का संबंध बनाकर देखेंगे, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का संबंध नहीं बनता है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का संबंध बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का सबसे पहले तो इन दोनों का संबंध बना के देखते हैं। यदि इनका नहीं बनता है तो इसका पहली वाली का थर्ड वाली का बना करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका कोई भी मेथड हो, यहाँ पर कोई भी आपके मेथड से यदि ये सॉल्व हो रहा है, इन दोनों का सॉल्यूशन निकल रहा है, रिलेशन निकल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो मेरा मेथड है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए 8 का रिलेशन किससे बनेगा, इस वाली संख्या से बनेगा। कैसे, 8 का मल्टीप्लाई यदि आप 6 से करेंगे तो आपको 48 मिल जाएगा। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, 23 का संबंध यहाँ बनाने के लिए 23 का मल्टीप्लाई आपको 6 से करना पड़ेगा। जब यहाँ आपने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, एक बचेगा, 6 2 12 और 1 13 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया, 138 निकल के आया है। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कभी कभी क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का रिलेशन नहीं बनता है, तो हमें इन दोनों का बना करके देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही संबंध बनना है, 8 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 23 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 मिल जाएगा। ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यदि कोई और मेथड हो आपके पास, कोई और तरीका हो, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बता देना, स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, देखिए 82 का रिलेशन आपको 6 से बनाना है, वही रिलेशन देखिए यहाँ पर बनेगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ और यहाँ भी जब आ गया है तो फिर से बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए 82 से 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 82 दे रखा है तो क्या करेंगे, आप इनका अंतर कर देंगे, मतलब ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। वही यहाँ पर करेंगे, 7 76 दे रखा है, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, मतलब इनका अंतर कर लेंगे, तो कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 82 है मतलब 8 और 2 का अंतर करेंगे 6 मिल जाएगा, 7 और 6 का अंतर करेंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ज़्यादा में से कम को घटा देना है। तो इस टाइप के सवाल पहले भी करा चुका हूँ, यदि पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए 18 का रिलेशन 5 का बनाना है और 12 का रिलेशन वही यहाँ पर बनेगा। जो ट्रिक यहाँ लगेगा दोस्तों, वही ट्रिक आपका यहाँ लगेगा। देखिए 18 5 का संबंध कैसे बनेगा, अब देखिए हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 3 से और प्लस करते हैं उसमें 3 को ही, तो आपको 18 मिल जाएगा। इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 5 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। 5 का 3 में 15 प्लस 3 कर देंगे ये वाला, तो आपको दोस्तों 18 मिल जाएगा ये वाला। ऐसे ही यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और प्लस कर देंगे 3, तो यहाँ पर 12 मिल जाएगा। देखिए 4 से करेंगे, यदि हम 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन ये तो ज़्यादा हो जाएगा, आपका 12 मिलना चाहिए। 10 का करेंगे 3 से मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, ये भी ज़्यादा। 3 का करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो, और प्लस का 3 करना है तो 3 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और प्लस का 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 3 आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किसी की समझ में यदि नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना,
यदि समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। जैसे 5 का मल्टीप्लाई 3 से किया 15 हो गया, प्लस 3 किया तो 18 मिल गया। ऐसे 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 9 मिल गया, प्लस 3 किया तो आपको 12 मिल गया ये वाला, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर संबंध कैसे बन रहा है, वही संबंध दोस्तों आपका देखिए यहाँ पर बनेगा। तो 6 का 10 का संबंध दोस्तों देखिए कैसे बनेगा आपका। देखिए यहाँ पर आपका दे रखा 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं 6 को, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 3 6 होता है, 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ मल्टीप्लाई 3 से किया है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई 5 से किया है तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों, 15 आ जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 6 और 2 5 10। यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया था 2 का, यहाँ 2 का 5 से किया था, तो यहाँ 3 से करेंगे तो यहाँ भी 3 का 5 से करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक भी आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसे सवाल दोस्तों मैंने पहले भी कराए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग ट्रिक करके, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग ट्रिक को आप ओपन करेंगे तो उसमें रीजनिंग के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 6 से 18 का संबंध कैसे बनेगा दोस्तों। देखिए आप क्या करें, यदि आप 6 का करते हैं स्क्वायर और डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 18 मिल जाएगा। तो 6 का संबंध आपका 18 से कैसे बना दोस्तों, वही यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस डिवाइड करेंगे 2 से। 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, डिवाइड करेंगे 2 से आपको मिल जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, पहली संख्या का स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। पहली संख्या का स्क्वायर कर दूसरी संख्या डिवाइड करना है तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। दोस्तों यदि आपको हमारे रीजनिंग के और भी वीडियो देखने हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के रीजनिंग ट्रिक करके, उसमें फोल्डर बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप ओपन करेंगे तो उसमें रीजनिंग के सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।